जैन साथियों, मेरे साथ में है तुलसी चौधरी बाड़मेर से और इनका सब इंस्पेक्टर में चयन हो गया है। तो मेरी तरफ से बधाई तुलसी आपको, और मैं आपका वेलकम करता हूँ ग्राउंड पे। और तुलसी ने जैसे 2018 वाला फिजिकल भी किया था और उस टाइम फाइनल इनका नहीं हो पाया था चयन, और अब की बार फाइनल हो गया, तो आपको कितनी खुशी हुई? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। और अब की बार आपको फिजिकल में क्या दिक्कत आई, कैसे मतलब मेन इवेंट क्या कमज़ोर लगता था आपको? जो जंप और जो रनिंग की, वो जो स्टार्ट में मैं आई थी तो मेरी 23 सेकंड आई थी, लेकिन लास्ट में मेरी जो 17 और 18 के बीच आने लग गई थी। तो जैसे अब की बार ये नहीं लगा अभी वापस एकेडमी जा रहे हैं, होगी कि नहीं होगी कम टाइम? और नहीं सर, पिछली बार तो जैसे मैं बिल्कुल 10-15 दिन ही आई थी, तो उसका नहीं, लेकिन इस बार मैंने मेहनत बहुत की थी। जैसे ही 13 सितंबर को पेपर हो गया मेरा, उसके जस्ट 10 दिन बाद ही मैं यहाँ पर आ गई थी, और फिर रेगुलर मेहनत की और आपने जैसे वो गाइड करा वैसे वैसे किया। तो और जैसे मतलब ऑल ओवर रिजल्ट ऐसे ही बेंच का कैसा मानते हो आप? काफ़ी अच्छा गया फिजिकल का, बहुत ही अच्छा। तो जैसे फिजिकल आप देने गए उस दिन, अब की बार डर लगा आपको भी या कैसा होगा कैसे नहीं होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पर जो अकेडमी की 5 लड़कियाँ थी और सबने जो ये यहाँ वाली जो टी शर्ट पहनी हुई थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे अकेडमी के अंदर ही है। तो अब की बार ट्रायल भी खूब सारे हुए होंगे आपके यहाँ? बहुत सारे हुए, हर वीक होता था एक ट्रायल। और जैसे मतलब अब की बार रिजल्ट आया तो एक मतलब सबसे पहले आपको पता कैसे चला गया सही का रिजल्ट आ गया? सुशीला ने, जो मेरी फ्रेंड ने फोन करा था, रिजल्ट आ गया, चेक किया। हाँ, तो उस टाइम आप घर पे थे? मैं चाय बना रही थी सर। अच्छा अच्छा, तो फिर घर वालों को एकदम बताया आपने, उनका क्या रिएक्शन था? सर मेरी रैंक जो 873 थी, तो मेरे को ऐसे लगा, एक बार तो सर ऐसे डर लग गया कि होगा ही नहीं, लेकिन फिर जब वो चेक करा पूरा, तो उसके बाद जैसे पहले मम्मी और पापा सब पूछ रहे थे, मैं सबको चुप करवा रही थी, मैंने कहा चुप रहो सब, पहले मेरे को देखने दो। फिर जब चेक करा और पता चला कि अच्छा, मतलब लड़कियों में ठीक है, रैंक अच्छी लगी है, तो उसके बाद सर बहुत खुशी हुई। रात के जो 10 बजे थे तो सारे बहुत खुश थे सर। जैसे मतलब आप सूरतगढ़ भी रहे हो और बाड़मेर से यहाँ आए तैयारी के लिए, और मतलब आप अभी एक बड़ी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए हो SI के, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, जो लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनके लिए और जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए, आपका क्या मैसेज है? यही कि जो जितनी पढ़ाई मुश्किल है उतना फिजिकल भी बहुत मुश्किल है, तो इस पर भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, और हमेशा काम रहो और धैर्य बना के रखो, क्योंकि सफलता एकदम नहीं मिलती इसमें, जो रेगुलर मेहनत करनी पड़ती है। और मेरा सभी जो माता पिता से निवेदन है कि वो अपनी लड़कियों को आगे से आगे बढ़ाने में उनकी जो मदद करें, और मतलब उन्हें जो लोगों की बातें ना सुनकर उन पर पूरा भरोसा करें और उन्हें आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और एक जैसे 2018 वाली भर्ती और एक 2023 लंबा समय था 5 साल का, तो कभी मन में ये नहीं है कि छोड़ देते हैं ये? कराया था सर 2020 में, तो सर ऐसा टाइम आया था जो कोरोना था, अब बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी मैं, लेकिन जो वो बोलते हैं ना कि हम सबको जो चीज़ें शेयर नहीं कर सकते दोस्तों कर सकते हैं, तो उस टाइम सुशीला जो मेरी फ्रेंड है उसने काफ़ी सपोर्ट करा, मुझे खूब मोटिवेट करती थी कि ऐसा मेरे साथ भी हो रखा है, तो तू टेंशन मत ले, सब अच्छा होगा, और धीरे धीरे जो मतलब उस कंडीशन से बाहर आ गए और पढ़ाई में रेगुलर बनी रहे, और तो आज तो एक जो दोस्ती का मैसेज है ये भी आपके अंदर देखने को मिला, जैसे आपकी और सुशीला जी की जोड़ी थी, ऐसे पिछली बार मोनिका जी और पूनम जी की जोड़ी थी, वो एक दूसरे को खूब मोटिवेट करते थे, और आपका ट्रायल होता था तो आप भी खूब शोर करते थे एक दूसरे के लिए। तो ऐसे ही आपका दोस्ताना बना रहे, और आप दोनों का ही चयन हो गया, तो मेरी तरफ से आपको बधाई, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, वो भी तैयारी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।